नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पे। आज हम क्लास 7 के लिए जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हमारे पास एक दी हुई परिमिति BE हमारे पास एक परिमिति दी हुई है, उस पर एक त्रिभुज बनाओ जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3:4 दिया है। कहने का मतलब 2:3:4 उसकी भुजाओं का अनुपात दिया है। अगर एक भुजा 2 गुना बड़ी है, दूसरी 3 गुना बड़ी होगी, तीसरी 4 गुना बड़ी होगी, तो हमने एक इसके ऊपर एक ऐसी त्रिभुज बना ली जिसमें भुजाओं का अनुपात 2:3:4 दिया हो। इसमें से 2 ये भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, मतलब कि इनमें ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। पर हमारे पास कोशिश हम ये करेंगे कि जिस अनुपात में, जिस तरीके से यहां पे हमारे पास दिया है 2:3:4, हम उस तरह से ही उसको बांटने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमारे पास 4:3:2 दिया होता तो हमने क्या करना था, 4 अनुपात हमारे पास स्टार्टिंग में लेना था, फिर उसके बाद 3 फिर 2 लेना था। अभी हमारे पास जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उसी ऑर्डर में लेने की कोशिश करते हैं। और इसकी भुजाओं का जो अनुपात है उसका योग रहेगा हमारे पास 2:3:4, 4 × 3 = 7 और 2 = 9। कहने का मतलब यह कि हमने टोटल इस DE भुजा के कितने भाग करने, 9 भाग करने। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। DE जो हमारे पास परिमिति दी हुई है उसको ले लेते हैं। DE इस परिमिति का हमारे पास नाम दिया है, DE परिमिति, ये हमारे पास प्रश्न में दी हुई है। और हमारे पास दिया है 2:3:4, ये जो हमारे पास अनुपात दिया हुआ है, तो इसका टोटल हमारे पास आया था 9। कहने का मतलब हमने DE रेखा के टोटल 9 भाग करने हैं। 9 भाग किस अनुपात में करने हैं, 2 के, 3 के और 4 के। तो इसको अपनी मर्जी से भाग करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, एक न्यून कोण लेना पड़ेगा, जो हमने क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ है कि इस किसी रेखा के हमने बराबर भाग करने हैं तो हम किस प्रकार से करते हैं। ये अपनी मर्जी से एक न्यून कोण ले लिया नीचे की तरफ, थोड़ा सा तिरछा आ गया था। ये हमारे पास अपनी मर्जी से एक प्रकार खोलनी है, बहुत बड़ी नहीं खोलनी है, बहुत छोटी नहीं खोलनी है। तो हमने क्या किया, एक बराबर भाग लगाने, छोटे बड़े नहीं करने, एक बार जितनी प्रकार खोल ली उतनी ही प्रकार खोल के रखनी है। 1 भाग 2 भाग 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे 9 भाग जो है यहां तक आए। आपके हो सकते हैं थोड़े आगे भी जा सकते हैं, थोड़ा और आगे भी जा सकते हैं, तो उस चीज की चिंता नहीं करनी है। तो आपके पास जहां तक भी आपके भाग आते हैं वो डिपेंड करता है कि आपने प्रकार कितनी खोली हुई है। 9 भाग ये हमारे पास आगे 9 भाग यहां तक आगे। तब अब देखिए दोनों का स्टार्टिंग का सिरा एक ही है, डी बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमारे पास इसका सिरा अंतिम सिरा ई है और इस रेखा का अंतिम सिरा 9 है। तो इन दोनों को आपस में मिला देंगे, 9 और ई को आपस में मिला देना है, डॉटेड में सारा काम चल रहा है क्योंकि रचना का कार्य है। अब हमने क्या करना है, इस रेखा के समानांतर रेखाएं लेनी है, किस अनुपात में लेनी है, कहां कहां लेनी है, 2:3:4, ये हमने इस चीज का ध्यान रखना है। और जहां से भी हम स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या मान के चलेंगे, अब 0, इधर से चल रहे हैं तो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। सर्च स्क्वायर का इस्तेमाल किया है, 0, 1, 2, 3, 4, लास्ट में क्या था, 4। तो हम क्या करेंगे, इस सेट स्क्वायर को ले जाएंगे आगे की तरफ, कहां तक लेके जाना है, 4 नंबर तक।
तो ये हमारे पास था 0, 1, 2, 3, 4। वैसे ही रखा सेल्फ स्क्वायर बिल्कुल वहीं पे है, नीचे स्केल रख दिया है, या मेरे पास स्केल की जगह डी है तो मैं डी का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर हमने मिला दिया। दोबारा चेक कर लें, अगर हिल गई है तो इसको दोबारा से चेक करें। एक समय पे एक ही चीज लगानी है, हमने सेट स्क्वायर लगाया, फिर स्केल लगाया, 1, 2, 3, 4। ये बी ई रेखा के यहां पे चार समान भाग हो गए ने, हमने इसको मिलाया, पर ये चार समान भाग ऊपर वाली रेखा के भी साथ में हो रहे हैं, तो हमने यहां पे ले लिया, एक पॉइंट आ गया। अब इसके बाद हमने लेना है, चार के बाद था तीन, तीन के लिए जाएंगे, इसी के समानांतर जहां से स्टार्ट करेंगे वहां जीरो होगा, 0, 1, 2, 3 नंबर दो के ऊपर, नंबर दो के ऊपर भी ला दिया। अब हमारे पास आगे की तरफ कितने बचने चाहिए, दो, जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0, 1 और ये 2। कहने का मतलब हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। ये पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं, डी के बाद ई था, ई के बाद आया एफ, एफ के बाद आ गया, सॉरी एफ पहले आया था इस साइड को, जी इधर को आया, ऑर्डर में ले रहा हूं ताकि आपको ध्यान भी रहे। अब हमारे पास ये दो भागों में बंट गई है, ये तीन भागों में और ये चार भागों में, ये बराबर है। अब इसकी जांच कैसे करें कि ये वाकई में बराबर भाग हुए या नहीं हुए, तो हमारे पास जांच करने के लिए भी एक तरीका बता देता हूं। ये जीरो था, ये एक हो गया, तो मैं इसमें यहां पे डॉट लगा के चलता हूं, सिर्फ डॉट लगाया मैंने डी ई रेखा पर। अब इसके बराबर प्रकार खोलता हूं, क्या ये हमारे पास दो भाग हैं, तो ध्यान से देखेंगे ये हमारे पास दो भाग है, फिर ये तीन भाग होने चाहिए, 1, 2, ये तीन भाग आएंगे, और यहां से आगे हमारे पास आएंगे चार भाग, 1, 2, 3, ये चार, चार भाग आ रहे हैं। कहने का मतलब ये जो पार्टीशन किया हमने अनुपात में, 2:3:4 में, तो ये हमारा बराबर हुआ। इसी के आधार पे हमने क्या करना है, एक त्रिभुज बना लेनी है, इस वाली भुजा को ऊपर को फोल्ड करेंगे, इस वाली भुजा को भी ऊपर को फोल्ड कर देंगे। कहने का मतलब इस वाली भुजा के बराबर इस साइड को भुजा, इसको इस साइड से, देखते हैं किस तरह से। जी बिंदु के प्रकार रखी, बी बिंदु तक खोलनी है, जी से बी तक प्रकार खोली और ये चाप लगा दी मैंने, ये कितनी है, जी बिंदु पे रखी है, बी तक खोली और ये चाप लगा दी। ये कितने की चाप लगी है, दो भाग की चाप लगी है। अब चार भाग की चाप लगाएंगे हम, एफ बिंदु से ई बिंदु तक प्रकार खोलेंगे, एफ से ई तक प्रकार खोली और ये हमने इस प्रकार चाप लगा दी, ये चाप लग गई। ये कितने भाग की चाप लगी है, चार भाग की, और तीन भाग की रेखा तो हमने यहीं पे ली हुई है, तो इनके बिंदुओं को, ये जो बिंदु आया हमारे पास, इसका नाम जी के बाद आता है एच, एच को मिला लेना है जी के साथ और एच को ही मिला लेना है एफ के साथ। ये पक्की रेखाएं हैं, उत्तर की रेखाएं हैं, ये हमारे पास ये जो त्रिभुज बनी है जी एच एफ, ये जो जी एच एफ त्रिभुज बनी है हमारे पास, ये किस अनुपात की त्रिभुज है, ये 2:3 था, ये 3:3 था, ये 4, इसमें लिख भी लेता हूं आपके ज्ञान के लिए, 2:3:4, ये हमारे पास ऐसी त्रिभुज बनी है जिसमें हमारे पास ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। कहने का मतलब इन तीनों भुजाओं की, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की परिमिति डी ई रेखा के समान है और भुजाओं का अनुपात 2:3 है। धन्यवाद।